अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को लेकर कल बड़ा ऐलान किया अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर बताया कि बहरीन इसराइल से समझौता करने वाला दूसरा अरब देश बन जाएगा और यह समझौता 30 दिनों के अंदर किया जाएगा इससे पहले इजराइल और यूएई के बीच शांति समझौता किया जा चुका है यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है भारत चीन सीमा विवाद पर आज संसद में बयान दे सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी विवाद पर बयान दे सकते हैं पिछले कुछ दिनों से विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर बहस की मांग कर रहा था केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगाई तत्काल प्रभाव से रोक केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है केंद्र सरकार ने कहा है की यह रोक इसलिए लगाई गई है ताकि घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बनी रहे और प्याज की कीमतें कम बनी रहे जर्मनी ने दिया चीन को बड़ा झटका दुनिया भर के देशों को अपने निशाने पर लेने वाले चीन को एक बड़ा झटका लगा है जर्मनी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में कानूनी शासन को बढ़ावा देने के लिए लोकतांत्रिक देशों जैसे भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ मजबूत भागीदारी बनाए जाने पर फैसला किया है ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है